नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूफाटोरियम परफोलाटम। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, यूफाटोरियम परफोलाटम। इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। साथ ही में ये जो यूफाटोरियम परफोलाटम मेडिसिन है कि बुखार में जब आपको वायरल फीवर होता है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा, ये जो सब वायरल इन्फेक्शन जब आपको होते हैं, तो वहाँ पर जो बुखार आता है या फिर बुखार के वक्त जो दर्द होता है, तो वहाँ पर यूफाटोरियम परफोलाटम मेडिसिन कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन से पोटेंसी में आपको कितने दिन के लिए कैसे लेना है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और इससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे Instagram पेज को फॉलो कीजिए, Facebook पेज को लाइक कीजिए। और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो यूफाटोरियम परफोलाटम मेडिसिन है ये कैसे बनता है। तो यूफाटोरियम परफोलाटम ये जो मेडिसिन है ये प्लांट किंगडम का मेडिसिन है, यानी कि वनस्पति से बनाया गया मेडिसिन है। तो इस वनस्पति को हम बोन सेट नाम से भी पहचानते हैं। तो उस वनस्पति से, उस प्लांट से ही मेडिसिन जो है ये ट्रांसलेट करके बनाया जाता है। तो इस प्लांट का पिक्चर मैंने वीडियो में लगाया है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं ये जो यूफाटोरियम परफोलाटम मेडिसिन है ये बुखार में यानी कि इसका एक्शन कैसे होता है। तो ये जो मेडिसिन है, जब आपको बुखार आता है तो बुखार के वक्त आपके मांसपेशियों में, मसल्स में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। इसके अलावा आपके बोन में, हड्डी में आपको बहुत ज्यादा दर्द रहता है। दर्द इतना भयानक रहता है कि आप सहन नहीं कर पाते हैं। तो वायरल फीवर में, जैसे कि आपको चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, मलेरिया हो गया, तो वैसे वायरल फीवर में जो हड्डियों का दर्द रहता है, बोन में जो दर्द रहता है, तो उस दर्द को ठीक करने का काम ये मेडिसिन करता है। साथ ही में अगर आपको डेंगू फीवर का इन्फेक्शन हुआ है, उसमें अगर ये जो वायरस है ये आपके लीवर पर काम कर जाता है, यानी कि लीवर पर अफेक्ट करता है, जिसके वजह से आपको हिपेटोमेगैली की तकलीफें होती है, यानी कि आपके स्प्लीन में सूजन आ जाती है और आपको तरह तरह की परेशानियां देखने को मिलती है डाइजेशन के संबंधित, जिसके वजह से आपके लीवर में बहुत ज्यादा सूजन रहती है और पित्त बहुत ज्यादा पड़ता है। तो वहां पर ये मेडिसिन काम करता है। साथ ही में बुखार में जब आपको इन्फ्लुएंजा की तकलीफें होती है, इन्फ्लुएंजा का वायरल संक्रमण होता है, तो आपके फेफड़ों में बहुत ज्यादा बलगम जम जाता है और आपके फेफड़ों में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, कंजेशन हो जाता है, जिसके वजह से खांसी आपको बहुत ज्यादा आती है, तो वहां पर भी ये मेडिसिन काम करता है। तो ये था इसका एक्शन। अब हम बात करते हैं इसके सिस्टम वाइज क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। पहले हम शुरू करते हैं हेड के संबंधित क्या क्या परेशानी होती है। जैसे कि आपको जब बुखार होता है, जब आपको वायरल संक्रमण का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस वक्त आपको बहुत ज्यादा तेज दर्द रहता है। दर्द इतना रहता है कि आपको ऐसा लगता है मेरा सिर जो है वो फट जाएगा, ऐसा आपको सिर दर्द रहता है। और सिर दर्द जो है वो पीछे बैक साइड में बहुत ज्यादा सिर दर्द रहता है। जब आप सोते हैं, लेटते हैं, तो उस वक्त आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा सिर दर्द रहता है। और साथ ही में जब आपको डेंगू का संक्रमण होता है या फिर किसी भी वायरस का संक्रमण अगर आपको होता है, तो आपकी आंखों में बहुत ज्यादा प्रेसिंग दर्द, यानी कि आपकी आंखें जो है वो बहुत ज्यादा प्रेस की जा रही है और आपकी आंखें जो है बहुत ज्यादा लाल हो जाती है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, आंखों में बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है, तो ऐसी तकलीफें आपको होती है। साथ ही में इसके अलावा आपके मुंह में, आपका जो माउथ होता है, मुंह के जो कॉर्नर्स होते हैं साइड में, वहां पर आपको इन्फेक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं कि आपको फफोले पड़ जाते हैं, दोनों कॉर्नर्स में आपको फफोले पड़ जाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा तेज बुखार होता है, वहां पर फफोले पड़ जाते हैं। साथ ही में इसके साथ आपकी थर्स्ट, मतलब पानी पीने की जो इच्छा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आप बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। इसके अलावा आपकी जो जीभ होती है वो बहुत ज्यादा पीली पड़ जाती है, वहां पर पूरे येलो कोटिंग आ जाती है। साथ ही में आपको पेट संबंधित क्या क्या परेशानियां होती है, तो आपके पेट में आपको बहुत ज्यादा तेज दर्द रहता है, इतना दर्द रहता है कि आपको बार बार उल्टी की, मिचली की तकलीफें होती रहती है, आपको हमेशा नॉशेटिंग फील रहता है, यानी कि मिचली की बहुत ज्यादा तकलीफें रहती है, ऐसा लगता है कि आपने जो भी खाया है वो बाहर निकल जाएगा, आपको उल्टी वॉमिटिंग हो जाएगा। जब आपको वॉमिटिंग होता है तो पूरी तरीके का येलो कलर का वॉमिटिंग रहता है, पीले कलर का वॉमिटिंग रहता है, आपके शरीर में बहुत ज्यादा पित्त जो है वो डेवलप होता है, बहुत ज्यादा पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको हिकप्स, हिचकियां भी बहुत ज्यादा आती है,
आपको हिचकिया इतनी तीव्र होती है जो रुकने का नाम नहीं लेती है, तो यूफेटोरियम पर्फ आप सिंगल डोज भी देते हैं तो आपकी हिकअप्स की जो तकलीफें होती है, जो लीवर की परेशानियां होती है, वो जरूर रुक जाती है। अगर आपको जॉन्डिस की भी तकलीफें होती है, यानी कि आपको इक्टेरस जॉन्डिस होता है जिसके कारण आपको हिकअप्स बहुत ज्यादा आते हैं, हिचकिया बहुत ज्यादा आती है, रुकती नहीं है, तो वहां पर आप यूफेटोरियम 30 देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथ ही में इसके साथ आपका मुंह जो है वो पूरी तरीके से कड़वा हो जाता है। अब हम बात करते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। जब आपको इन्फ्लुएंजा का वायरल संक्रमण होता है तो आपके फेफड़ों में बहुत ज्यादा बलगम जम जाता है। ये जो मेडिसिन है ये बहुत ज्यादा म्यूकस मेम्ब्रेन पर काम करता है, तो म्यूकस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ाता है जिसकी वजह से आपके चेस्ट में बहुत ज्यादा कंजेशन आता है और खांसी बहुत ज्यादा निकलती है। आप इतना खांसते हैं कि खास खास कर आपके सीने में आपको तेज दर्द होने लगता है और सर्दी जो है वो ठीक होने का नाम नहीं लेती है। तो वहां पर यूफेटोरियम पर्फ मेडिसिन देते हैं, बुखार के साथ ही सिम्टम्स है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब हम बात करते हैं बुखार के बारे में। जब आपको बुखार रहता है तो उस वक्त आपको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? जब आपको तेज बुखार रहता है, बहुत ज्यादा बुखार है जो कम नहीं हो रहा है, और बुखार के साथ आपके हड्डियों में फटने वाला है, यानी कि आपकी हड्डियां जो है वो फट रही है, इतना तेज दर्द आपको रहता है बुखार के साथ। इसके साथ बुखार आने के बाद, बुखार कम हो जाने के बाद आपको पसीना रहता है। आपका बुखार तो चला जाता है, उस वक्त आपको पसीना आता है, अच्छा लगने लगता है, लेकिन आपका सिर दर्द जो है वो कम नहीं होता है, सिर दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पर यूफेटोरियम पर्फोलेक्टम मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में जब आपको बुखार आता है तो आपके एक्सट्रीमिटीज में, यानी कि आपके हाथ पैरों में, मांसपेशियों में बहुत ज्यादा दर्द और जकड़न रहती है। दर्द इतनी भयानक रहती है कि आपके रिस्ट ज्वाइंट जो होते हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा दर्द रहती है। आपके ज्वाइंट्स हिलने पर भी बहुत ज्यादा दर्द आपको महसूस होता है और दर्द जो है वो बहुत ज्यादा तेज रहता है। तो ये जो मेडिसिन है ये चिकनगुनिया, डेंगू, इन्फ्लुएंजा और मलेरिया के जो सिम्टम्स होते हैं वहां पर भी दिया जाता है। ये जो यूफेटोरियम मेडिसिन है ये आप प्रिवेंटिव तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपके एरिया में बहुत ज्यादा पेशेंट है डेंगू या फिर चिकनगुनिया के, तो ये जो यूफेटोरियम पर्फोलेटम मेडिसिन है ये 30 CH पोटेंसी में, इसके 2 बूंद आप आपके टंग पर लीजिएगा। दिन में 1 बार सुबह लीजिए या शाम में लीजिए, दिन में 1 ही बार लीजिए और हर दिन लेते रहिए जब तक आपके एरिया के जो पेशेंट्स है वो कम नहीं होते हैं, तो आपको भी डेंगू और चिकनगुनिया और इन्फ्लुएंजा जैसे वायरल संक्रमण नहीं हो सकता है। अगर आपको वायरल संक्रमण हो गया है, यानी कि आप डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा के शिकार हो गए हैं, तो उस वक्त मेडिसिन आपको कैसे इस्तेमाल करना है? तो आपको बहुत ज्यादा तेज बुखार आ रहा है, आपको संक्रमण हो गया है, तो उस वक्त ये जो मेडिसिन है ये 30 पोटेंसी में हर 1 घंटे में रिपीट करना है जब तक आपका बुखार कम नहीं हो जाता है। ये मेडिसिन हर 1 घंटे में आप लेते हैं तो 3 घंटे के अंदर आपका बुखार जो है वो कम हो जाता है। साथ ही में अगर जब आपका बुखार कम हो जाता है तो इस मेडिसिन को दिन में 2 या 3 बार लीजिएगा, 2 2 बूंद 30 CH पोटेंसी में। और साथ ही में जब फिर से अगर आपको बुखार आता है तो फिर से इस मेडिसिन को ऐसे ही रिपीट करना है। तो इस मेडिसिन को अगर आप कंटिन्यू लेते हैं जैसे मैंने बताया वैसे डोसेस में, तो आपका डेंगू, चिकनगुनिया 7-8 दिन के अंदर कवर हो जाता है और आपको ज्यादा परेशानियां नहीं होती है। तो मैं आशा करती हूँ ये जो यूफेटोरियम मेडिसिन है इसको बहुत अच्छे तरीके से आप वायरल संक्रमण में इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंगू, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया और चिकनगुनिया के लक्षणों में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो मैं आशा करती हूँ ये जो यूफेटोरियम पर्फोलेटम मेडिसिन है इसके बारे में डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।